हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो था वो बिगम मेथड कंप्लीट किया था और उसकी जो डिजेनरेसी उसके बारे में हमने बात की थी। और अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी इन एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ड्यूअलिटी हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल है, व्हाट डू यू मीन बाई प्राइमल एंड ड्यूअल प्रॉब्लम। दो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, एक प्राइमल वर्ड यूज़ किया, एक ड्यूअल शब्द यूज़ किया इसने। तो प्राइमल प्रॉब्लम क्या होती है और ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होती है। तो पहले तो प्राइमल क्या होता है, लेट अस कंसिडर एलपीपी कॉल्ड प्राइमल प्रॉब्लम। ये आज तक हमने जितना भी काम किया है इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपकी प्रॉब्लम थी जिसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते थे उसको बोलते हैं हम प्राइमल प्रॉब्लम। कहने का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोल लो या प्राइमल प्रॉब्लम बोल लो, एक ही बात है यहाँ पे। तो ये फाइंड एक्स वन एक्स टू सोन एक्स एन इन विच मैक्सिमाइज जेड एक्स इज इक्वल टू सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस वन प्लस सी एन एक्स एन। पता है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ध्यान से देखने कंस्ट्रेंट्स आपने, हमने शुरू में भी लिखी थी, ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस वन प्लस ए वन एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी वन, ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू बी वन। दूसरी ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस वन प्लस ए टू एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी टू, ठीक है जी, एंड सोन। लास्ट में ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू प्लस वन प्लस ए एम एन एक्स एन लेस इक्वल टू बी एम, ध्यान रखिएगा हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स एन हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास एम हैं और सारे के सारे साइन लेस इक्वल टू, ध्यान रखना खास यहाँ पे, एंड एवरी एक्स वन एक्स टू सोन एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो है दिस सिस्टम इज कॉल्ड प्राइमल प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, दिस इज कॉल्ड प्राइमल प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपकी कंस्ट्रेंट्स हर शो तो यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन में होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ सारे कांस्टेंट यहाँ पे पॉजिटिव होने चाहिए। ये बनी हमारी प्राइमल प्रॉब्लम। अब इस प्राइमल से ड्यूल कैसे लिखना है, द ड्यूल ऑफ अबव प्रॉब्लम इज ऑब्टेंड बाय। अब इसका ड्यूल कैसे लिखेंगे हम, ड्यूल लिखने के लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है ट्रांसपोजिंग द कॉफिशेंट मैट्रिक्स। अब कॉफिशेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो एक्स वन एक्स टू एक्स एन के कॉफिशेंट है, आपको बताया था मैंने पहले शुरू में ए वन वन ए वन टू ए वन, पहले ही क्वेश्चन के कॉप्शन पहली रो में, दूसरी क्वेश्चन के कॉप्शन दूसरी रो में, तीसरी क्वेश्चन के कॉप्शन तीसरी रो में, एंड सो इन कॉफिशियंट का जो मैट्रिक्स बनेगा उसको बोलेंगे हम कॉफिशियंट मैट्रिक्स। तो ड्यूल लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो कॉफिशियंट्स हैं इनको इनका लेंगे आप ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम में ध्यान से देखो यहाँ पर एक्स वन के कॉफिशियंट्स हैं, जब ड्यूल लिखेंगे तो क्या करेंगे एक्स वन के कॉफिशियंट को हम रो में लिखेंगे, एक्स टू के कॉफिशियंट को हम दूसरी रो में लिखेंगे, एक्स थ्री के कॉप्शन को हम तीसरी रो में लिखेंगे, एंड सो, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन इंटरचेंजिंग रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड द कॉफिशेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्राइमल में जो बी वन बी टू सोन बी एम थे वो ड्यूअल में सी वन सी टू सोन सी एन होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो प्राइमल में बी वन बी टू बी एम हैं उनकी जगह ड्यूअल में आएगा सी वन सी टू सी एन। तो दिस इज योर सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन है रिवर्सिंग द इनइक्वालिटीज। प्राइमल में हमेशा हर सूत लेस देन इक्वल टू का साइन चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो पहले उसको आप माइनस साइन से गुणा करके लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो प्राइमल में हमेशा लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, लेकिन जब आप इसका ड्यूल लिखेंगे तो यहाँ पर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है, रिवर्सिंग द इनइक्वालिटीज। और चौथी कंडीशन मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट। ये चौथी कंडीशन क्या है कि प्राइमल में वी हैव ऑलवेज मैक्सिमाइजेशन, अगर यहाँ पर मिनिमाइजेशन है तो पहले इसको मैक्सिमाइज करो, और ड्यूल में क्या होगा हमेशा मिनिमाइजेशन होगी, ड्यूल जो लिखेंगे उसमें हमेशा मिनिमाइज शब्द यूज़ करेंगे। देयरफॉर ड्यूल ऑफ अबव प्राइमल विल बी, तो ड्यूल क्या बन जाएगा, प्राइमल में हमने वेरिएबल लिए थे एक्स वन एक्स टू सो एन, तो ड्यूल में हमने ले लिए डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू सो एन डब्ल्यू एम, ध्यान रखना एम, वहाँ पर प्राइमल में एन वेरिएबल्स थे तो ड्यूल में एम वेरिएबल्स होंगे, माइंड इट, ठीक है। आप W1, W2, W3 ले लो या Z1, Z2 जो आपका जैसे हमारा बाई वन बाई टू बाई थ्री इसको दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कर दिया इसको W1, W2, सो W1, ठीक है जी। तो क्या बोला था, प्राइमल से प्रयोग ड्यूल कैसे लिखना है, जो मैक्सिमाइजेशन उसको लिखेंगे मिनिमाइज, यहाँ आ गया Z, वहाँ Z X था पैर में, यहाँ Z W, जस्ट नोटेशन है कि वहाँ X है तो इक्वेशन X में, या W तो W में। जो प्राइमल के कॉन्स्टेंट्स थे वो ड्यूल की ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए बन जाएंगे कॉस्ट वैल्यूज, मतलब बी वन डब्ल्यू वन प्लस बी टू डब्ल्यू टू प्लस वन प्लस बी एम डब्ल्यू एम, याद करो इस चीज़ को। प्राइमल में जो कॉन्स्टेंट टर्म्स थी वो ड्यूल के बन जाएंगी कॉस्ट वैल्यूज, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। अभी थोड़ी देर मैंने क्या बोला था, पहले जो एक्स वन के ऑप्शन थे ऐसे रो में, सॉरी ऐसे कॉलम में थे ना, ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन सोन, वो ड्यूल में बन जाएंगे रो में, मतलब ए वन वन डब्ल्यू वन ए टू वन डब्ल्यू टू सोन ए एम वन डब्ल्यू एम
वहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन था, यहाँ आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, वहाँ बी वन था, यहाँ पर आ गया सी वन। वैसे फिर प्राइमल में जो एक्स टू के कॉपशंस थे वो ऐसे आ जाएंगे, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन सी टू एंड सो ऑन, और लास्ट में फिर एक्स एन के कॉपशन ए वन एन डब्ल्यू वन ए टू एन डब्ल्यू टू सो ऑन प्लस ए एम एन डब्ल्यू एम ग्रेटर देन इक्वल टू सी एन। तो ये बना आपका प्राइमल सिस्टम, सॉरी ड्यूल सिस्टम। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब कि अगर आपको प्राइमल दे रखा है तो उसका ड्यूल कैसे लिखना है, उसके हमारे पास ये चार कंडीशन दे रखी हैं। अब जनरल रूल क्या है, व्हाट इज़ द जनरल रूल टू कन्वर्ट एनी प्राइमल इनटू ड्यूल। तो जनरल रूल क्या है, पहला स्टेप, हालांकि मैं ऊपर बता चुका हूँ फिर भी यहाँ पर कुछ स्टेप्स की कमी रह गई थी जो यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला काम होगा फर्स्ट कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। मान लो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने किसी भी प्राइमल का ड्यूल लिखना है तो दैट प्राइमल मस्ट बी इन दिस फॉर्म, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। मान लो आपके प्राइमल में यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमाइजेशन है, तो आपको पहले उस एलपीपी को प्रॉपर वे में लेके आना, मतलब अगर मिनिमाइजेशन है तो उसको मैक्सिमाइज करना है, अगर यहाँ बीच में कोई ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो उसको लेस देन इक्वल टू का साइन करना, मतलब पूरी क्वेश्चन को माइनस साइन से गुणा कर देना है। अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन है तो उसमें आपने दो इक्वेशन बनानी है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू बने में बनेगी, एक लेस देन इक्वल टू में बनेगी, ठीक है, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली होगी उसको फिर आपने माइनस साइन से गुणा करके लेस देन इक्वल टू कर देना। तो वो जनरल रूल है ये प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल में लिखने के, फर्स्ट कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। अगर गलती से कहीं एलपीपी में मिनिमाइजेशन है तो उसको आपने मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। दूसरी कंडीशन, अगर किसी इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हर सूरत आपका लेस देन इक्वल टू का साइन चाहिए, मतलब कहने का मतलब ड्यूल लिखने के लिए आपको हर सूरत लेस देन इक्वल टू ही चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है लिखा आगे, इफ देयर इज इक्वालिटी साइन देन रिप्लेस इट इन द कंस्ट्रेंट्स इन टू कंस्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर मान लो किसी इक्वेशन में किसी कंस्ट्रेंट में इक्वल टू का साइन है तो उसकी दो इक्वेशन बनेंगी, एक लेस देन इक्वल टू के साथ एक ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, तो लेस देन इक्वल टू वाली एज इट इज रहेगी, जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली होगी उसको फिर माइनस साइन से गुणा करके लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर देना है। चौथी कंडीशन, एवरी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, ये बात आपके लिए नई है, यहाँ पे अब रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, रिस्ट्रिक्शन ही होती हैं, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू सो ऑन डब्ल्यू, ये दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे को प्रॉब्लम में ये रिस्ट्रिक्शन दी नहीं होती है, मतलब वेरिएबल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई उसने, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। अगर कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो उसको क्या करेंगे, हम दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस में लिखेंगे, ठीक है जी। जब ये चार कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद फिर आपने ये जो मैंने पीछे डिस्कस किया ये कंडीशन अप्लाई करनी, ठीक है जी। जैसे अप्लाई करेंगे इमीडिएट आपका प्राइमल जो वो कन्वर्ट हो जाएगा ड्यूल में। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास पूछे, फाइंड द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग प्राइमल प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम, आपको ये प्राइमल दे रखा है इसका आपने ड्यूल लिखना। तो क्या बोला उसने, पहली कंडीशन क्या बोली, अगर मिनिमाइजेशन है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करो। दूसरी कंडीशन क्या बोली, अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो उसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन, चाहे आपकी राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाए। ड्यूल लिखने के लिए राइट हैंड साइड के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, वो चाहे नेगेटिव हो जाए चाहे पॉजिटिव हो जाए जो, हाँ, पर जब सिंपलेक्स मेथड लगाना तो सिंपलेक्स मेथड के लिए राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव, इट इज इंपॉर्टेंट। ड्यूल लिखने के लिए इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि यहाँ माइनस साइन का प्लस साइन, आपका इनइक्वालिटी हर सूरत प्लस इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है जी। और जैसे इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो क्या कि इसको माइनस साइन से गुणा करके लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसमें इक्वल टू का साइन है तो उसमें क्या करेंगे, इसकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक बनेगी लेस देन इक्वल टू के साथ, एक बनेगी ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली होगी उसको फिर माइनस साइन से गुणा करके लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना, ठीक है जी। तो देखते हैं जरा बारी बारी से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, वी वॉन्ट टू, देखो इस पहले क्वेश्चन में क्या था, मिनिमाइजेशन, तो मिनिमाइजेशन का पहले करना है मैक्सिमाइजेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू को बनाना लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू को बनाना है इक्वल टू का कन्वर्ट करना, दो इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो वी वांट टू मैक्सिमाइज, बताया आपको मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन में जाने के लिए क्या करते हैं, डैश लगाते हैं और जो इक्वेशन होती है उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है, देखो जरा पहले क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, थ्रू आउट हमने माइनस साइन से गुणा कर दिया। दूसरे क्वेश्चन एज इट इज़, तीसरी क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन था तो एक बार आगे लेस देन इक्वल टू, दूसरी बार आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, पर मैंने यहाँ साथ ही कर दिया दो स्टेप, ग्रेटर देन इक्वल टू जो आएगा उसको हमने फिर आपने माइनस साइन से गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आएगा ये माइनस फोर, ठीक है जी। अब सारी कंडीशन फुलफिल होगी, नाउ राइट द ड्यूल। अब ड्यूल लिखने का तरीका क्या है कि प्राइमल में हमेशा मैक्सिमाइजेशन होती है, ड्यूल में हमेशा मिनिमाइजेशन होती है, पहली बात। दूसरी बात, प्राइमल के जो
प्राइमल में जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपके ड्यूल के लिए बन जाएंगी कॉस्ट वैल्यूज़। तो -2 W1 6 W2 4 W3 -4 W4 सब्जेक्ट कंस्टेंट्स। प्राइमल में जो X1 के कॉफिशेंट्स हैं -1 2 1 -1 X1 के कॉफिशेंट नज़र आ रहे हैं ये चले जाएंगे रो में, मतलब -W1 +2 W2 +W3 -W4 ठीक है जी। लेस देन इक्वल टू की जगह आगे ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट वैल्यू किसकी, X1 की कॉस्ट वैल्यू। अब यहाँ पर इसमें X1 की कॉस्ट वैल्यू है नहीं तो नहीं है तो ये आ जाएगा जीरो। फिर X2 के कॉफिशेंट वो बन जाएंगे दूसरी क्वेश्चन -W1 +W2 -W3 +W4 ये आपको सामने आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और जो दूसरी कॉस्ट वैल्यू X2 की कॉस्ट वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी। उसी तरीके से X3 के कॉफिशेंट तीसरी रो में आ जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और X3 का कॉस्ट वैल्यू -5 यहाँ पर आ गया और W1 कॉमा W2 कॉमा W3 कॉमा W4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इज द ड्यूल ऑफ दिस प्राइमल प्रॉब्लम ठीक है जी। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या था देखो जरा, अगले क्वेश्चन सारे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। यहाँ मैक्सिमाइजेशन बना है तो उसको रहने देना, इसको नहीं छेड़ना है। यहाँ सारे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो हमने क्या करना, सारी इक्वेशंस को माइनस साइन से गुणा करके पहले लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। जैसे लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया मैक्सिमाइजेशन होगी, सारी इक्वेशन लेस देन इक्वल टू में आ गई, उसके बाद फिर आपने लिखना है ड्यूल। तो ड्यूल कैसे लिखेंगे, मिनिमाइज ये सेकंड क्वेश्चन लिख दिया हमने, ये यहाँ पे सारे साइन लेस देन इक्वल टू के आगे और सारे साइन लेस देन इक्वल टू आने के बाद ड्यूल ऑफ द प्राइमल विल बी मिनिमाइज जेड डब्ल्यू इक्वल टू। जो प्राइमल के कॉस्ट वैल्यूज थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, सॉरी जो प्राइमल की कांस्टेंट वैल्यू थी ये वाली, ये कांस्टेंट वैल्यू बन जाएंगी यहाँ पर कॉस्ट वैल्यूज प्राइमल के लिए। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो X1 के कॉफिशेंट हैं ये X1, ये सारे X1 के कॉफिशेंट, ये X1 के कॉफिशेंट ये बन जाएगा -3W1 -6W2 -7W3 -W4 -4W5 ग्रेटर देन इक्वल टू और साइन आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वैसे X2 के कॉफिशेंट दूसरी रो में, X3 के कॉफिशेंट तीसरी रो में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और यहाँ पर आ जाएंगे सारे कॉस्ट वैल्यू X1 X2 X3 के ठीक है। और इसके साथ ही लिखना नहीं भूलना है आपने, कॉमा डाल के W1 कॉमा W2 कॉमा सोन कॉमा W5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ठीक है जी। सो दिस इज द मेथड हाउ टू राइट ड्यूल ऑफ एनी प्राइमल प्रॉब्लम। तो बाकी दो क्वेश्चन आप कर लेंगे ठीक है जी। अब मैं अनरिस्ट्रिक्टेड का एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ड्यूल ऑफ दिस प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस। और इसमें लिखा है X1 एंड X2 ग्रेटर देन इक्वल 0 बट X3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कुछ भी हो सकता है ठीक है। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो कैसे चलना है देखो जरा, अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो कैसे चलना है, बाकी प्रोसीजर सारा सेम, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले तो प्राइमल को प्रॉपर वे में लेके आओ, मिनिमम है तो मैक्सिमम कर दिया, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका है। प्राइमल को प्रॉपर वे में मिनिमम है तो मैक्सिमाइज आ गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है सारे। ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू बनाना है, लेस देन इक्वल टू बना हुआ है यहाँ इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर दो इक्वेशन आ जाएंगे ठीक है। ये आ गया ठीक है जी, ये बन गया आपका प्राइमल। अब इसमें क्या किया उसने, X3 को अनरिस्ट्रिक्टेड किया। तो क्या हमने क्या बोला था मेथड में, जो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा उसको आप दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल का डिफरेंस में लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे कि इनका डिफरेंस पॉजिटिव है। कहने का मतलब कि X3 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, X3 इज ग्रेटर देन 0 बट द डिफरेंस ऑफ दिस टू इज इक्वल टू X3 विच इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल 0। बाकी काम फिर वही, फिर कैसे करेंगे, अब क्या किया इस X3 की वैल्यू को उठाया और यहाँ पर इस प्राइमर में डाल दिया, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो उसको हमने क्या करना है रिस्ट्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। तो रिस्ट्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो X3 को लिखा है उसको X3 को यहाँ लिख दिया और पुट करके ये आपका प्राइमर बन गया ठीक है। जैसे प्राइमर बना इसका ड्यूल लिखने का तरीका, फिर वही ड्यूल कैसे लिखेंगे, ये मैक्सिमाइज आ गया -2X1 -3X2 ये चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब इसका ड्यूल लिखना, तो ड्यूल लिखने के लिए बॉन्ड टू मिनिमाइज क्या करेंगे, जो प्राइमल के कॉन्स्टेंट्स हैं आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जो प्राइमल के कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आप लिखेंगे कॉफिशेंट किसके, ड्यूल प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन -2W1 -5W2 ठीक है। अब जहाँ पर X3 यूज़ करें तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे -3W3 -3W3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, वही X1 के कॉफिशेंट पहली रो में वेरिएबल यूज़ करेंगे W1 W2 W3 W3 हालांकि आप W3 W4 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। पर डैश हम इसलिए लग रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हमने X3 में डैश और डबल डैश लगाए हैं तो W3 में डैश और डबल डैश लगा के चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो काम वही है ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, और ये आ गया आपका
एक्स वन की कॉस्ट कितनी है माइनस टू। वैसे एक्स टू के कॉप्शन दूसरी रो में, एक्स थ्री डैश के कॉप्शन तीसरी रो में, एक्स फोर डैश के कॉप्शन चौथी रो में। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि ओरिजिनली क्वेश्चन आपका एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के टर्म में था, ठीक है, और ड्यूल को भी आपने विदाउट डैश करना है। ये डैश तो हमने खुद इन्वॉल्व किया ना यहाँ पर, तो डब्ल्यू थ्री डबल डैश को हमने खत्म करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ से थ्री कॉमन ले लो, यहाँ से वन कॉमन आ जाएगा, यहाँ से सेवन कॉमन आ जाएगा, माइनस सेवन कॉमन आ जाएगा। तो डब्ल्यू थ्री डैश डब्ल्यू थ्री डैश माइनस डब्ल्यू थ्री डबल डैश को हम नाम दे देंगे डब्ल्यू थ्री, विच इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो वी वॉन्ट टू मिनिमाइज जेड डब्ल्यू कुड दिस। देखो जरा, डब्ल्यू थ्री डैश माइनस डब्ल्यू थ्री डबल डैश में से थ्री कॉमन ले लिया, तो थ्री डब्ल्यू थ्री वन कॉमन ले लिया, डब्ल्यू थ्री वहाँ से प्लस सेवन कॉमन लिया, माइनस सेवन कॉमन लिया, ठीक है। थ्री वन सेवन और माइनस वन के साथ ये जो डब्ल्यू थ्री लिखा है, इस डब्ल्यू थ्री की जगह अगर जब आप ये कॉमन लेंगे तो डब्ल्यू थ्री डैश माइनस डब्ल्यू थ्री डबल डैश बनेगा अपने आप। ये लिखा है साइड पर डब्ल्यू थ्री क्या है, डब्ल्यू थ्री डैश माइनस डब्ल्यू थ्री डबल डैश मेजेस रिजन इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द ड्यूल ऑफ एनी प्राइमल इन विच वेरिएबल्स आर या इज अनरिस्ट्रिक्टेड। तो सेकेंड क्वेश्चन उसी तरीके से ही आप करेंगे, ठीक है। अभी तक सिर्फ आपको ये बताया कि हाउ टू राइट ड्यूल ऑफ एनी प्राइमल प्राइमल प्रॉब्लम, किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम का ड्यूल हम कैसे लिखेंगे। उसके बाद आगे आता है कि उस ड्यूल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी प्राइमल को सॉल्व करके हम उसके ड्यूल का सॉल्यूशन सीधे बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम, एंड कन्वर्सली। कन्वर्सली मीन्स कि आप किसी प्राइमल को सॉल्व ना कर करके पहले उसका ड्यूल लिखें, ड्यूल लिखने के बाद उस ड्यूल को सॉल्व करें,